दोस्तों, प्रभु राम और हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता है। हर किसी को पता है कि महावीर प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं और सच्चे हृदय से उन्हें ध्याते हैं। परंतु क्या आपको ये पता है कि एक बार स्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई थी जब श्री राम प्रभु ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दे दिया था। वे स्वयं हनुमान जी के प्राण हरने के लिए उतारू हो गए थे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे घटित हुआ था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह आज भी राम दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष था क्योंकि आज सभा में कई विख्यात सभासद उपस्थित थे, जिनमें महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और नारद मुनि प्रमुख थे। चर्चा का विषय था राम बड़े अथवा राम का नाम। सभी लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, परंतु नारद मुनि का कहना था कि प्रभु राम से ज्यादा शक्ति राम नाम में है, किंतु उनकी बात उस समय कोई नहीं सुन रहा था। उधर राम भक्त हनुमान इस पूरी चर्चा को शांत चित्त से देख रहे थे। अंततः सभा खत्म होने को आई और ये निष्कर्ष निकला कि राम ही सर्वत्र शक्तिशाली हैं और वे ही तीनों लोकों के नाथ हैं। किंतु इस निर्णय से नारद मुनि असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे और वे ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं थे। उन्होंने मन ही मन एक युक्ति सोची। तत्पश्चात उन्होंने धीरे से मारुति के कानों में कुछ बुदबुदाया, जिससे कि वे समझ गए कि आगे उन्हें क्या करना है। अब जैसे ही बारी बारी से सभी सभासद वहां से जाने लगे, तब हनुमान जी उन्हें प्रणाम कर विदा करने लगे। परंतु जब महर्षि विश्वामित्र सामने आए, तब हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। बस फिर क्या था, महर्षि को इस बात पर बहुत बुरा लगा। अब उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उन्होंने राजा राम से कहा, राम, तुम्हारे सेवक हनुमान ने इस भरी सभा में सबके सामने मेरा अपमान किया है और मैं इस अपमान को कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से तुम हनुमान को मृत्यु दंड दो। और आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र श्री राम के गुरु जो थे, इसी वजह से वे उनका आदेश भी नहीं टाल सकते थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। उधर हनुमान जी इन सब बातों से अनजान दूर किसी एकांत स्थान पर बैठकर अपनी ही मस्ती में मगन होकर राम नाम का जप कर रहे थे। तब श्री राम वचन का पालन करने के लिए वहां पर उपस्थित होकर उन पर बाणों से प्रहार करने लगे। उन्होंने एक के बाद एक कई शक्तिशाली बाण चलाए, परंतु उनके बाण मारुति का बाल भी बांका ना कर सके। ये चमत्कार देखकर श्री राम सहित विश्वामित्र और अन्य सभी जन चकित रह गए। तत्पश्चात नारद मुनि ने कहा, हनुमान जी ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम ना करके कोई बड़ा अपराध नहीं किया था। यदि देखा जाए तो महर्षि जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं और किसी समय में एक राजा हुआ करते थे। बस इसी राजधर्म को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी ने महर्षि को प्रणाम नहीं किया था, ना कि इस संदर्भ में वे महर्षि की उपेक्षा कर रहे थे। नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर महर्षि को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, मुझे अब अपनी चूक का पता चल गया है। दरअसल मैं उस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया था, इसी वजह से मैं हनुमान जी को दोषी मान बैठा। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ, हनुमान ने मुझे प्रणाम ना करके कोई अपराध नहीं किया, अपितु उन्होंने तो राजधर्म का निर्वाह ही किया है। अतः हे राम, मैं विश्वामित्र तुमसे निवेदन करता हूँ, अभी इसी क्षण महावीर को अभय दान दो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मृत्यु दंड से मुक्त करो। तत्पश्चात श्री राम प्रभु ने ऐसा ही किया। किंतु एक बात महर्षि अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कैसे श्री राम के भीषण बाण भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। अंततः उन्होंने इस संदर्भ में हनुमान जी से पूछ ही लिया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि जब उन पर बाणों से प्रहार हो रहे थे, उस समय वे मन ही मन श्री राम नाम का जप कर रहे थे।
बस इसी वजह से प्रभु राम के प्रहार एक के बाद एक खाली जा रहे थे। और इस प्रकार से दोस्तों ये बात भी सिद्ध हो गई थी कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, और जो कोई भी प्राणी सच्चे मन से इसे ध्याता है वो साक्षात काल को भी पराजित कर सकता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।